हरे हरे चूड़ियाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंशाल्लाह पूरा ट्राई करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कुछ कहना है? वो हमको आपसे कुछ पूछना था। पूछो। साहब कब तक आएगा? आ जाएंगे जल्दी। वो हमको खाला ने कहा था कि बेगम साहब से पूछ लो कि मैं इधर ही रह सकता है या नहीं। क्यों? वो आपको डर लगता है इसीलिए। हम सही कह रहा है, कोई भी आपके ऊपर नजर उठाएगा हम उसका आंखें निकाल लेगा। अच्छा नहीं गुलखान, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। लेकिन अगर मुझे डर लगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है। किस कदर अकेली हूं मैं, चांद है ना कोई है सितारा, खाली माँ आपने बुलाया मुझे? हाँ बैठो। सुरैया कहाँ है? और ये खैरियत तो है ना अम्मा, क्या बात हुई? हाँ खैरियत है। सुरैया को आने दो, फिर बात करती हूँ। जी अम्मा। आओ बैठो। आपने बुलाया अम्मा? हाँ बैठो, मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ भाई फसाहत, कुछ लोगों की नजरों में मैं आज तक मुजरिम हूँ कि मैंने ऐमन की शादी करने में जल्दबाजी दिखाई। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब इस घर का कोई अहम फैसला अपने हाथ में लूं। अम्मा आप यकीन कीजिए कि आपको मुकम्मल इख्तियार है इस घर में। आप जो चाहती हैं वही तो होता है। हमारे हमारे जहन में तो ये शायबा भी नहीं है कि आप किसी किस्म की ज्यादती कर सकती हैं ऐमन के साथ। अम्मा का इशारा मेरी तरफ है फसा, बेटी की माँ हूँ, इसलिए तरह तरह के वसवसे आते हैं जहन में। इसीलिए तो कहती हूँ बीबी, जो फैसला करना है खुद करो ताकि विसविसों से महफूज रहो। अम्मा कैसा फैसला, कुछ बताएं तो सही। आज नवीदा का फोन आया था, उसके जानने वालों में कुछ लोग हैं जो माहिन का रिश्ता चाहते हैं, उन्हें माहिन पसंद आई है। लड़का नवीदा अपा के खानदान का है क्या? मैंने ज्यादा तफसील नहीं पूछी, जो पूछना है खुद पूछ लेना। अलबत्ता बता रही थी कि लड़का अकलौता है, माँ के साथ रहता है, एक बहन है जो शादीशुदा है, बहुत सुलझे और पैसे वाले लोग हैं। तो फिर अम्मा आप बुला लीजिए उन लोगों को, नवीद आपस से कहिए कि ले आए उनको, उनसे मिलकर कोई राय कायम करेंगे हम लोग। क्यों सही है? जी वो तो ठीक है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो माहीन की मर्जी से। देख ले फसाद, इससे लगता है कि इसकी बेटियों की दुश्मन हूं मैं। ऐसी बात नहीं अम्मा। अच्छा अम्मा आप नवीदा से कहके बुलाएं उन लोगों। हम लोग नवीदा के घर मिलाद शरीफ में गए थे, वहीं लड़के की माँ ने देखा था, उसे माहिन पसंद आई है। सच? आप बुला लीजिए। सुरे फोन कर देना, मुझे दुश्मन समझकर टालियो मत इस बात को, मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी बेटियों की। जी अम्मा। चाय बना के लाओ मेरे लिए। जी अम्मा। आप भी पियेंगे? जी। बहुत जल्दी गुजर गया ना ये दिन। यही तो मजा है मोहब्बत का, वक्त गुजर जाता है, जिंदगी बीत जाती है और वक्त का पता ही नहीं चलता। ये तुम अपने सारे स्क्रिप्ट के डायलॉग्स मुझ पे ही मारती हो क्या? बहुत रिहर्सल्स करती हूँ, बिलीव मी, जब भी कोई रोमांटिक सीन होता है ना हमेशा उसमें तुम्हें इमेजिन करती हूँ। रियली? हाँ, तो तुम्हें लगता नहीं है मेरे सीन्स देखकर कि हर रोमांटिक सीन में जो भी मैं बात कर रही होती हूँ सिर्फ तुमसे कह रही होती हूँ। That's great. इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कामयाब होने का राज यही है। जो चाहे समझ लो। अच्छा ये बताइए फिर कब आओ? जरूरी तो नहीं है कि हर बार मैं आऊँ, कभी तुम भी तो आ सकते हो। That's a very good idea. एक काम करते हैं, In the next off days we get, हम दुबई का प्लान बनाते हैं। हाँ गुड आइडिया, दुबई चलते हैं। अच्छा अभी तो मैं निकलूं,
बारिश का टाइम हो गया, थोड़ी देर और रुको। जब भी मैं जाने लगती हूँ तुम इसी तरह बिहेव करते हो। कोई किसी को इतनी चाहत से नहीं रोकता हो। आई नो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई हर वक्त मुझे इतनी ही चाहत से हर बार रोके। चलो लेट्स गो, उठो। Hi, I'm Sunera. Amen. Nice meeting to you. मैं यहाँ vacations पे आई हूँ अपनी मामा के साथ। यही होटल में नजदीक ही रहती हूँ। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? लाहौर से। आप यही रहती हैं? हाँ जी, मेरा घर यही है। अच्छा, कितनी लकी है ना आप, कितनी प्यारी जगह है। आप तो पूरा दिन इन खूबसूरतियों को enjoy करती होंगी। अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। How sweet. आइए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं, मैं तो घूमने फिरने के लिए निकली थी। क्या हो जाएगा अगर एक कप कॉफी पी लेंगे आप मेरे साथ? Are you sure? जी जी, बातें करेंगे ना। हाँ जी, कर चलें। आइए प्लीज। आइए। प्लीज आप बैठे, मैं अभी कॉफी बना के लाई। नहीं थैंक यू, आप आ जाएं। अरे नहीं, बाहर आपसे मैंने कहा था ना कॉफी पियेंगे। यार तू अपने पेरेंट्स को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता अपने पास? यार नहीं मानते वो। अंकल रिटायर हो चुके हैं, तू भी इकलौता है, तुझे साथ रहना चाहिए उनके। यार अब इस उम्र में क्या मैं उनकी जगह चेंज करवाऊँ? उनके लोग हैं वहाँ पे, खुश हैं वो, वहाँ सेटल हैं, बस ठीक है। तेरी उदासी का सबब तो जानना चाहते हैं, पूछते होंगे तुझसे कि क्यों उदास हो? बिल्कुल भी नहीं पूछते, ठीक है? और प्लीज मेरी उदासियों के सबब जानना, ढूंढना, पूछना तू भी छोड़ दे प्लीज। हाँ अच्छा सुन, ये घर देख रहा है? वकार अहमद का। अली, हाँ मिलने चले? नहीं यार, मेरा समझ में नहीं आता वकार अहमद के साथ तेरा क्लैश क्या है। कोई क्लैश नहीं। अब तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन तूने खुद ने कहा था कि अगर तुझे पता होता कि वकार अहमद यहाँ तुझसे मिलेगा तो तू कभी नहीं आता। यार मैं बहुत थक गया हूँ, तू हुआ ड्रामे बनकर छोटा सा काम है करके आते, चला जा, शाबाश। इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छांव के दरमियान जीना, हम यही
चाय पियेंगे या कॉफी लाऊं? बना लोगी तुम? हाथ तो नहीं कांपेंगे तुम्हारे? क्यों? जाहिर है अपने यार के साथ कुछ खूबसूरत लम्हात गुजारने के बाद कहाँ जी जाएगा तुम्हारा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो। वकार, ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मैंने खुद उसे आते हुए देखा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मौके की तलाश में है, लेकिन अब वो तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता, कभी नहीं। हेलो। हाय हैंसम। हाँ, पहुंच गई तुम? कब की? बताया क्यों नहीं? मैं इंतजार कर रही थी कि बीवी के साथ होते हुए भी तुम्हें मैं याद आऊंगी या नहीं। मत आजमाया करो प्लीज, एमन का जिक्र नहीं किया करो। जिक्र गवारा नहीं है मगर कुर्बत गवारा है। तुम नहीं समझोगी इस रिश्ते को। आजाद कर दो उसको भी और खुद को भी इस अजियत से। आजाद नहीं कर सकता मैं उसे, उसे आजादी ना देने के लिए खुद मैं इतनी अजियत उठा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओके बाय। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि जब मैं फोन पर बात कर रहा हूँ मेरे सर पर खड़े होने की क्या जरूरत है? जब मैं जानती हूँ कि आप किससे बात कर रहे हो और आपकी क्या बात हो रही है, तो मेरा यहाँ होना और ना होना आपके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा, मैनर्स भी कोई चीज होते हैं? मैनर्स? हमारा रिश्ता मैनर्स वाला नहीं है। और पता नहीं आपके मैनर्स उस वक्त कहाँ जाते हैं जब सारी सारी रात मेरे पास बैठकर उस आवारा औरत से फोन पे बातें करते हैं। Shut up, Eamon. उसके बारे में कुछ कहोगी तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। मोहब्बत है वो मेरी। मोहब्बत? रोजाना स्क्रीन पे एक नई मोहब्बत करने वाली लड़की और ऑफ कैमरा आप जैसे मर्दों को बेवकूफ बनाने वाली, आप वैसे भी उसी की मोहब्बत के काबिल हैं। बकवास करती हो मेरे साथ, जबान चलाती हो। अगर मैं मोहब्बत करता हूं तो डंके की चोट पे करता हूं, तुम्हारी तरह नहीं। जब मैं घर से बाहर जाऊं तो अपने मन की मुरादें पूरी करने लगती हो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुमने शिजा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी सांसें भी बंद करती हूं। शक में डूबे हुए दिल में कैसे जीऊं, सच की सच्चाई में दिल बैठा जा। नवेदा आपा माहीन के लिए कोई गलत रिश्ता तजवीज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक खौफ सा दिल में महसूस हो रहा है। भाभी जान, कल जब वो लोग आमने सामने बैठेंगे तो तसल्ली से सारी बातें कर लीजिएगा, फिर दिल से सब खौफ दूर हो जाएगा। दुआ करो बुड्ढे, अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा करे। आमीन। Eamon से बात हुई? नहीं दिल करता उससे बात करने, उससे बात करती हूँ तो उलझने और बढ़ जाती हैं। आप एक दफा Eamon और वकार भाई को कुछ दिनों के लिए यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वकार तो हमसे बात करना ही गवारा नहीं करता, और Eamon की जब से शादी हुई है अब वो Eamon रही नहीं जो पहले थी। मेरा ख्याल में तो भाभी जान आपको उसके घर चले जाना चाहिए। अगर बेटी की याद सता रही हो और दिल उदास हो जाए
तो उसके घर जाने में कोई हर्ज नहीं है। आप भाईजान से बात कीजिए, उनसे कहें वो आपको वहां ले जाए। क्या सोचने लगी आप, क्या नहीं जा सकते? कितने दुख की बात है ना गुड्डी, एमन ने आज तक नहीं कहा कि हम उससे मिलने आए, तो इतनी नफरत करती है वो हमसे। नहीं भाभी जान, वो आपकी औलाद है, आपसे क्यों नफरत करेगी भला? मुझे लगता है बहुत नाराज है किसी बात। देखिए, अगर वकार भाई ने उसे खुश रखा होता तो ये नाराजगी कब की दूर हो गई होती। शज़ाए मेसी, तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। तुम आ जाओ ना यार, तुम मेरी हालत तो देखो। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी तुम मुझे टाइम नहीं देती हो। आई लव यू। मैंने पहले भी कहा कि सब छोड़ दो, सब बेकार है, शादी कर लो मेरे साथ, निकाह कर लो। शहजाद, तुम मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं करती हो? मैं अजियत में रह रहा हूं। माहीन, तुम यहाँ हो? मैं तो समझ रही थी कि तुम सो रही होगी। नहीं, अम्मी ने आपको बताया क्या? गुड्डी बाजी, अभी अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए और इन सब लोगों में शादी की फिक्र लग गई। अच्छा, तो इस वजह से मूड खराब हो रहा है। मुझे नहीं करनी को शादी। मगर क्यों? बस नहीं करनी। तो ठीक है, सुरैया भाभी को बता दो। कहा था, आगे से ढेर सारी डांट सुनी है मैंने। पढ़नी भी चाहिए डांट, क्योंकि हमारे माशरे में इनकार करने वाला किसी सजावार से कम नहीं होता। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एमन की शादी के बाद भी इन सब लोगों को सुकून नहीं मिला। देखो माही, एमन की शादी का तस्करा बार बार मत किया करो बच्चे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम यूं ही जिक्र करती रही तो कोई भी उस वाकये को भूल नहीं सकेगा जो एमन के साथ हुआ। अब जब वो इस घर में नहीं तो हर कोई उसे मिस करता है। कोई नहीं, कोई उसे मिस नहीं करता। एमन की खामोशी की वजह से सब अपने आप को कसूरवार समझते हैं, समझते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म किया। इसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा जाने दो ना, तुम अपना मूड तो अच्छा कर लो। कल लड़के वाले आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। जी, मुझे किसी को नहीं देखना। दादी ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई थी, वैसे काफी हैंडसम है माशाल्लाह। अब हाँ तो? ये तो मैं कल तुमसे पूछूंगी जब वो लोग यहाँ आएंगे, क्या पता कि तुम्हें लड़का पसंद ही आ जाए। Thank you.
बेगम साहब, आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं चला जाता है? मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। कभी कभी हमारा दिल करता है हम आपके पास से काम करना छोड़ दे। क्यों? आप हमसे झूठ बोलता है, हमको सब पता है। इधर आओ मेरे पास गुलखान, इधर आओ। जी। आप तो बहुत अच्छे लड़के हो ना। हमको क्या पता, कुल मकई कहते हैं हम अच्छा लड़का नहीं है, हम उसका सारा अखरोट खा जाता है। लेकिन मुझे पता है कि तुम नहीं खाते होगे, है ना? आपको कैसे पता? कैसे तुम्हें पता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? बेगम साहब, आप अपने घर वालों का साहब को शिकायत क्यों नहीं कर देता है? बता दूंगी, अब जो अपना काम खत्म करो जल्दी से। हेलो हेलो, कैसी हो तुम? इमें तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि आज मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है? क्या हुआ, सब खैरियत है? मुझे कोई देखने आ रहा है। हाउ स्टूपिड ना, मतलब दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है लेकिन आज भी ये रस्म रिवाज खत्म नहीं हुई है कि लड़की को देखना बहुत जरूरी है। कौन आ रहा है? एक मिनट, तुम हंस रही हो? अच्छा सॉरी, अब बताओ कौन आ रहा है? ईमान। मुझे क्या पता, अम्मी बाबा दादी जानते उन लोगों को, मुझे कुछ नहीं पता उन लोगों के बारे में। अगर तुम यहाँ होती तो तुम मुझे अच्छा मशवरा दे देती। मैंने तो अम्मी से साफ साफ कह दिया, मैं तो दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाऊँ, मैं उनके सामने ड्रेस सजा के नहीं जा सकती। भाई माहिन, तुम बिल्कुल नहीं बदली, जानती हो ये बात? काश तुम भी नहीं बदलती। खैर, अपनी और वकार भाई की पिक्चर्स भेज दो। हाँ भेज दूंगी, चलो अभी मुझे बहुत काम है। रात में कॉल करूंगी तुम्हें। जब सब चले जाए ना तो मुझे टेक्स्ट करके जरूर बताना। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। ओके बाय। गुलखान, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, जब खाना बन जाए तो मुझे भाई दे देना। अच्छा। काशा ने अपना बिजनेस अभी सेट किया है, मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पर सेटल हो जाए और मैं इसके लिए प्यारी सी दुल्हन ले आऊं। वो हमने नवीदा आंटी के यहाँ देखा था पहली बार माहिन को। हाँ हाँ, मुझे बेटा याद आ रहा है, आपसे वहां मुलाकात हुई थी। वैसे नवीदा आपा से हमने आप लोगों के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, आप लोग भी चाहें तो हमारे बारे में पता कर सकते हैं। नवीदा ने आपको भेजा है तो यकीनन कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा ना। बेटा कुछ सुना नहीं तुमने? नहीं अंकल, थैंक यू। अब कहाँ है माहिन, प्लीज बुलाइए उसे। सुरैया, माहिन। जी माँ। सलीमा बेटा, तुम्हारे यही दोनों बच्चे हैं क्या? जी माशाल्लाह से, ये अपने घर की हैं और बहुत खुश हैं। रोशी बेटा, तुम्हारे शोहर नहीं आए साथ? दादू, मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, उनके पास तो मामा से भी मिलने का टाइम नहीं होता। वैसे आज आने वाला था, ऑफिस में कुछ काम आ गया इसलिए नहीं आया। कोई बात नहीं है, आपका आना जाना लगा हुआ है तो मुलाकात हो ही जाएगी। और बेटा, किन किन कंट्रीज में तुम्हारा कारोबार है? अंकल फिलहाल तो हम लोग यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मुख्तलिफ चीजें, यूजुअली गारमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारे। माहिन, नवीदा आंटी बता रही थी कि तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं, खत्म हो गए? जी। आप लोग लेना कुछ। Thank you.
Excuse me. ये actually it's mine. Oh, I'm sorry. Thank you. आपको आता है बजाना? ज़ाहिर है जी, अगर मेरे पास है तो आता ही होगा. I'm Zunaira. Good to see you, Zunaira. मैं यहाँ अपनी मामा के साथ वेकेशंस पे आई हूँ. आप यहीं रहते हैं? जी, वो ये पास में ही घर है. How lucky! कितने lucky हैं आप, कितनी प्यारी प्यारी वादियाँ हैं. आप तो कितने lucky हैं, आप रोज देखते होंगे ये वादियाँ. मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई हूँ. वैसे आप करते क्या हैं? सिविल इंजीनियर हूँ जी मैं. अरे वाह, फिर ये शौक कहाँ से आया गिटार का? बिल्कुल वैसे ही जैसे आई थिंक आपको काफी ज्यादा बोलने का शौक है. एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलती, बल्कि मेरे फ्रेंड से पूछे, वो मुझे कहते तुम कम गो हो, बल्कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है. आपसे चार बातें क्या कर ली, आपको लगने लगा मैं ज्यादा बोल ज्यादा बोलती हूं. आई एम सॉरी मैम, मेरी गलती है, आप बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलते. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. जैसे आप गिटार मुझे सिखा सकते हैं? मुझे बहुत शौक है सीखने का. मैं तो अभी खुद सीख रहा हूँ, आपको कैसे? कोई बात नहीं, जितना आपको आता है उतना मुझे सिखा दें, बात खत्म. एक्चुअली अभी मुझे जरा जाना है, तो फिर इंशाल्लाह. नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल फारिग हूँ, मैं तो घूमने फिरने निकली थी. आप मुझे अभी सिखा सकते हैं, अभी सिखा देना. मैं फ्री नहीं हूँ जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर सिखाऊंगा. एक्सक्यूज मी. जी, मैं आपको सोच के जवाब दे देती हूँ. जी, मैं बस अपने हस्बैंड से बात कर लूं, उनसे पूछ लूं, कोशिश करेंगे जल्दी बता. बहुत शुक्रिया. बेहतर. वालेकुम अस्सलाम. सुनिए. उन लोगों ने माहीन के लिए हाँ कर दी है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन फसाहत, उन्होंने तो फैसला कर दिया, हमें भी तो जवाब देना ना. अरे भाई तुम परेशान मत हो, मैंने काशान के बारे में बहुत मालूमात की है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहेगी हमारी माहीन. माहीन से तो किसी ने पूछा ही नहीं. मगर सुरैया, तो अपने सारे खौफ दूर कर लो ना, पूछो तुम माहीन से. जब तक वो हाँ नहीं कहेगी मैं जवाब नहीं दूंगा उन्हें. हाँ, लेकिन इस बार भी अगर अम्मा ने अपना फैसला सुना दिया तो? अजीब बातें करती हो तुम, हर बार पे इसी बात का ताना देती हो तुम मुझे. अच्छा, मैं अम्मा को बताओ. अम्मा, हेलो. हेलो, काशान बात कर रहा हूँ. आपको मेरा नंबर किसने दिया? आप शायद भूल रही हैं कि आपने तो मेरी बहन को दिया था. तो आपकी बहन ने आपको क्यों दे दिया नंबर? कमाल है, मैंने ही मांगा था उनसे आपका नंबर, तो मुझे वो क्यों नहीं देते? अरे वाह, आप तो बहुत चालाक हैं. खैर, चालाक तो आप भी हैं. कैसे सबसे नजरें चुरा कर मुझे आप देख रही थी? जी नहीं, मैं कोई आपको नहीं देख रही थी. आप झूठ बोल रहे हैं. झूठ तो आप बोल रहे हैं. हाँ ठीक है, देख रही थी. आप भी तो देख रहे थे. मैं तो आपको इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे आप पसंद आ गए थे. हाँ तो मुझे भी तो आप. बस यही सुनना था. थैंक यू माइन.
रूल्स किस लिए? मुझे पसंद करने के। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जरूरी तो नहीं कि हर बात कही जाए, कुछ बातें बिना कहे भी समझ जाता है इंसान। और वैसे भी मामा ने आपके घर फोन करके बता दिया है कि आप मुझे पसंद हैं। कहाँ हो अमन? फोन ही नहीं करती हो। माँ का फोन तो उठा लिया कर। मैं तो फोन कर ही नहीं पाती हूँ तुम्हें, क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा अभी इस वक्त फोन किया, खुशी में रहा ही नहीं गया। हमने माहीन के लिए हाँ कर दी है। एमन किचन में, मैं वकार बात कर रहा हूँ, वहाँ से वापस आती है तो मैं आपको कॉल बैक करवा देता हूँ। कैसे हो बेटा? आपने यकीनन मेरा हाल चाल पूछने के लिए फोन तो किया नहीं होगा। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था ना इनकार नहीं कर सकोगी। हाँ तो अम्मा बाबा के सामने इनकार की तुम्हें अच्छी लगती क्या? हाय अल्लाह, अम्मा बाबा की फरमा बरदार गुड़िया वो तो मैं हूँ। अच्छा, यानी कि इसमें काशान मियाँ का कोई अमल दखल नहीं था। अगर किसी और का भी रिश्ता आ जाता तो तुमने हाँ कर दी थी, है ना? आप हाँ तो कर दी थी। हाँ अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं सुरैया बाजी से कह के मना कर देती हूँ, क्योंकि लड़का तो कुछ सही है मगर भाई उसकी जो माँ है ना, माँ बहुत गुस्से की तेज है। अब नहीं गुड्डी बाजी काशान की शादी तो मुझसे ही होनी है ना। पकड़ी गई ना चोरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि इनकार नहीं कर सकोगी, दिल आ गया तुम्हारा उस पे। हाँ, आ गया। अच्छा गुड्डी बाजी, एक बात बताएं। आप बता रही थी कि उनकी अम्मी बहुत गुस्से वाली है। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने सुरैया बाजी और माजी को ये बात करते सुना है कि लड़का भी बहुत अच्छा है, उसका खानदान भी बहुत अच्छा है, लड़के की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत प्यार कर रही है। तुमने अमन को बताया? छोड़े साहब। मगर क्यों गुड्डी बाजी, बहने क्या ऐसी होती है? वो जानती है कि इस वक्त मुझे उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, उसके बावजूद भी उसने मुझे एक कॉल नहीं की और मुबारकबाद के लिए एक मैसेज कर दिया। अरे पगली, कोई ना कोई वजह होगी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मगर वो मुझसे क्यों नाराज है? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने कहा ना तुम परेशान ना हो, जब वो तुमसे मिलेगी तो जरूर बता देगी। चलो आओ, मैंने दादी से कुछ बात करनी जरूरी। देख लेना किसी चीज की कमी न रह जाए। अरे अम्मा क्यों फिक्र करती, किसी चीज की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह, सब हो जाएगा। मैंने गुड्डी को आवाज दी है, वो आए तो उसके साथ बैठकर जहेज की चीजों की लिस्ट बना लो। वैसे अम्मा ये बच्चों की शादियों के मामलात ऐसे होते हैं, कितनी लिस्टें बन जाएं फिर भी आखिर के लिए कोई ना कोई काम रह ही जाता है। दादी कहाँ रह जाती हो गुड्डी, खाना खाओगी? नहीं नहीं आप खाए, मैं चिड़ियों को बाजरा डाल रही थी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आज सुरैया के साथ बैठकर जहेज की चीजों की लिस्ट बना लो। अरे दादी आप परेशान क्यों हो रही, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो सलीमा बहन कह रही थी कि हमें कोई जहेज कुछ नहीं चाहिए, बस माहीन चाहिए हमें। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की भी कमी हो। कल मुझ पर ये बात आया कि अमन की तरह माहीन के लिए भी जहेज से रोक दिया है मैंने। अल्लाह ना करे अम्मा माहीन के साथ वो कुछ हो जो अमन के साथ हुआ। हजार बार कहा है कि लड़की अपने घर में खुश है, मगर फिर भी किसी को मेरी बात का यकीन नहीं आता। दादी ये काशान के घर वाले शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? वो कह रही हैं कि ना हमें कोई मसला है ना आपको कोई मसला है, इसलिए देरी की कोई वजह नहीं है। एक महीने में निकाह करके रुख्सती मांग रहे हैं। सही कह रही है वो, खानदानी बातों में यही होती है बात, अपनी जबान की इज्जत रखते हैं। जी अच्छा गुड्डी, बस मैं ये खाना बना लूं, उसके बाद लिस्ट बनानी है और कल से खरीदारी शुरू करनी है। ठीक है भाई।
टाइम कम रह गया है। जी दादी पानी दो। हाँ पानी दो, खाना खा लो ना। नहीं नहीं मैं अभी ऊपर कुछ खा लो, कढ़ी बनी है बहुत मजे की, मैंने चाय के साथ रस खा लिए थे। इत्तेफाक से मजे की बनी है क्योंकि पकोड़े मैंने तले थे। चले थोड़ी देर बाद खा लूंगी। खाना जरूर। हाँ। मेरा हाथ है ना तब अच्छी बनी है। बहू को भी सब कुछ मैंने सिखाया है। जी तुम्हारी अम्मी का फोन था। अम्मी का फोन? हाँ काफी देर से बजट जा रहा था तो मैंने कॉल रिसीव कर ली, समझा के कोई जरूरी बात होगी। अच्छा क्या कह रही थी? बता रही थी कि माहिन की शादी तय हो गई है, इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। आइंदा उनसे कहना कि मेरी मौजूदगी में फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। आपने खुद नहीं कहा उनसे? कहा तो नहीं है लेकिन शायद वो समझ गई होंगी। क्या मतलब? आपने बदतमीजी की उनसे? नहीं लेकिन शायद अगली बार कर जाऊं अगर दोबारा फोन आएगा तो। वकार वो खुश थी इसीलिए फोन किया होगा ना, वरना वो मुझे कब फोन करती है? ऐसे भी कौन सी खुशी वाली बात है, अभी तो रिश्ते के लिए हाँ हुई है, खुदा जाने आगे क्या होगा। वैसे भी तुम लोगों के घर में निकाह के मौके पर फैसले बदलने पड़ जाते हैं। Hare